मैं बेनती करांगा कि गुरु घर के अंदर साढ़े जीवन के नेम इं कह लीए कि साड़ी जिंदगी विच हजूर ने बाणी पढ़न का भी एक नेम बनाया है। इनू थोड़ा जिहा ध्यान दे के सुनियो। मैं एक बार शब्द की अर्ज किया, एक लफ्ज असी सारे वरतने मर्यादा, असी सारे शब्द वरतने मर्यादा। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक लफ्ज आया मिर्जाद, नाम मिर्जाद आया कल पीतर। उंज वैसे मर्यादा दे अर्थ बड़े गहरे ने। जो शब्द मर्यादा वरत्या जाता है तो उस शब्द की गहराई च जाइए। आप यतन करांगे कि आशा की वार जितना समय इत्थे विचारांगे हर शब्द के रूट विच उहदी जड़ तक जाण दा यतन करिए क्यों गुरदेव ने वरत्या। हुण जिहड़ा शब्द मर्यादा है इहदे अर्थ की ने, असी कह देंगे मर्यादा का अर्थ जीवन की रहनी, यही कह देंगे। कई सज्जन कहणगे मर्यादा का अर्थ है कि जिंदगी जीन का नेम कायदा कानून। पर उंज जिहड़ा मर्यादा लफ्ज है, यह लफ्ज संस्कृत के मरिया शब्द तो पैदा होया है। संस्कृत का एक लफ्ज है मरिया, उहदे तो बनिया शब्द मर्यादा। तो मरिया शब्द के अर्थ ने कि नदी के कंडे, नदी का किनारा। जिमें एक नदी दो कंडियां विच दो किनारियां विच प्रवाहत रहे, कल्ले कंडे ना रहन, चेते रखियो नदी दे विच पानी भी होवे। बिनती ध्यान नाल सुनियो, मर्यादा का अर्थ की है कि नदी दे दो किनारे ने ते कल्ले किनारे कुछ नहीं करनगे जे अंदर पानी का प्रवाह नहीं चलता। तो जेड़ी नदी का पानी किनारियां दे विच रह के चलता है जां वो कंडियां दे विच रह के तुरदा है, सच एवे कि उस नदी का किनारियां विच रहण वाला प्रवाह निरंतर चलता रहे ते एक दिन समुंदर विच अपेद हो जाता है, मिल जाता है। ते जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी जींदिया होया गुरु दे दित्ते हुए कायदे कानून दे किनारियां विच रह के जींदा है, एक दिन वह बंदा अकाल पुरख विच अपेद हो जाता है। फिर बेनती ध्यान नाल सुणियो, नदी कंडियां विच चले एक दिन समुंदर विच लीन हो जाएगी। तो बंदा जिंदगी जींदा अपनी गुरु की दत्ती हुई मर्यादा के दायरे विच रह के जीए तो प्यारिओ एक दिन वह परमात्मा विच अपेद होवेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शब्द ऐसे कि असी जिंदगी किवें जीनी। मैं तो इउं कहांगा आशा की वार जिस बंदे नूं समझ पै जाए उन्हूं पूरा चानना हो जाएगा कि सिख फिलोसफी की है, सिख दर्शन की है, सिख सिद्धांत की है। हुण हालांकि गुरु घर के अंदर बाणी पढ़न की भी बड़ी महानता है, मैं अर्ज की बाणी सुन की भी बड़ी महानता है, उत्थे गुरु घर के अंदर कीर्तन की बड़ी वड्डी महानता दिती गई। कीर्तन नू निर्मोलक हीरा गुरदेव ने कहा, कीर्तन नू सतगुरां ने रब की अगम्मी दात कहा। ता ही असी बाणी विच जदों शब्द पढ़ते हैं कीर्तन निर्मोलक हीरा, कला कीर्तन निर्मोलक हीरा ही नहीं, सतगुरां ने इत्थों तक कीर्तन करन वाले लिए शब्द भलो भलो रे कीर्तनिया, राम रामा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के धंध सुआ। कीर्तन करन वाले नू भी भलो भलो कह के गुरदेव ने पुकारिया। मैं ते एक होर बेनती कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा जहा बेस बना के अर्ज करनी चाहना कि यह वार कदों तो गाउणी शुरू हुई, इहदे नाल शलोक दे अर्थ की। हालांकि अज इस दीवान विच सिर्फ मैं मंगलाचरण ते उपर आए हैडिंग दे अर्थ ही करांगा कि शलोक महले पहले दे भी ने ते इहनू असराज टूंडे दी धुन उत्ते गाउणा है। मैं पहला बेनती कर लगा कि हजूर दे घर अंदर बाणी पढ़नी बाणी सुननी पर कीर्तन, क्योंकि सारी बाणी गा के आई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच वार्तक शब्द नहीं, सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिहड़ी ओह काव्य है उहनू गाया गया है। हाँ, जिथे वार्तक शब्द आए उत्थे गुरदेव ने लिख दिता। जिवें असी पढ़ने ये शलोक आदि अंत पढ़ना, जिवें हुण शब्द वार्तक आया वार शलोकां नाल शलोक भी महले पहले के लिखे टूंडे अस राजै की धुनी, ये वार्तक शब्द है। उंज सारी बाणी जिहड़ी है वह गा के आई क्योंकि परमात्मा खुद अपने आप विच इक नाद है, उहदा शब्द जोड़ा है
वो एक धुन है। इसे करके कहा जाता है गुरुदेव ने शब्द नूं खुशक नहीं किया। गुरु नानक साहब ने कहा शब्द तो एक धुनी है, शब्द तो एक नाद है। ता ही सतगुरु नूं जदों पुछया गया कि तेरा कवन गुरु जिस का तू चेला, ते महाराज जी ने कहा सी शब्द गुरु सुरत तुन चेला। वो जड़ा रब्बी नाद है उंज वैसे इनू द्वैश च ना लिजायो, क्योंकि जदों असी कथा कीर्तन कथा करने खास करके असी अपनी खंगता नूं संयुक्त करके गल ना करिए। बेनती है हजूर सच्चे पातशाह जी दे बाणी दा एडा विशाल दायरा है, इहदे विच अज्ञानता रूपी कट्टड़ता नूं बिल्कुल गुरु ने स्वीकार नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर निंदिया भरे बोलां नूं किते थां नहीं दित्ती गई। गुरु ग्रंथ साहिब विच कपट वाली बोली कोई बाणी नूं किते थां नहीं दित्ती गई। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर वासना नाल लिपत होया बंदा बाहरों जे परमात्मा दीआं गल्लां करदा उहनूं स्वीकार नहीं किया गया। पर बेनती है जदों असी वेखने हां हिंदुस्तान दे इस सभ्याचार नूं, अवतारी पुरशां ने अपने हत्थां विच एक साज जरूर पकड़िया। जदों सरस्वती की कोई गल करदा तो उहदे कोल वीणा दा साज दिखाया गया है। थोड़ा जिहा खुल दिले नाल सुनियो, मैं तां शब्द वरते। जे शिवजी का जिक्र किया जाता तो उहदे नाल नाद वास्ते डमरू जिहड़ा वह उहनां दे नाल रहिंदा है। जदों असीं श्री कृष्ण जी की बात करने तो उहनां दी मुरलीधर बंसीधर बंसरी उहनां दे कोल है। इहदा मतलब कि जिहड़े अवतारी पुरश ने उहनां दा नाद नाल शब्द नाल कैसा कोई संबंध है। तो एक होर बेनती करदे आं शब्द का ते चानण का, एक किसी दिन जो मौका गया है पढ़ांगे आपां। शब्द का ते जोत का आपस च बड़ा संबंध है। तुसीं देखदे हो कि जे बदल गरजदा है एक नाद है, तो जदों बदल गरजेगा उहदे नाद नाल चमक जरूर पैदा होवेगी, जिहनूं असीं कहिंदे आ असमानी बिजली। नाद और चमक इउं कह लां शब्द अते जोत, यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द ते जोत दोनों ते बहुत जोर दिता गया है, क्योंकि नाद दा ते जोत दा आपस विच बड़ा गहरा संबंध है चानण दा। खैर जिहड़ी बेनती मैं कर लगा कि उहनां दे कोल नाद ने, उहनां कोल साज ने। मेरे धन गुरु नानक साहब जी ने कृपा की जी, जदों रब्बी कलाम आया किन्ने सी खुश किस्मत उहनूं सतगुरां ने गाया है, उहनूं गा गा के सच एवे पी लिया अपने अंदर। गुरु नानक साहब ने इन्ने प्यार च भेज के गाया। एक विद्वान ने बड़े कमाल दे बोल के वह जपजी साहब ते बोल रहा सी, खास मैं चलो नाम ही लै देना, जिन्हों आचार्य रजनीश कहिंदे, अजकल ओशो कहा जाता है। उन्हें एक गल बड़ी सोहनी कही जपजी साहब दे टीका करदे आ अर्थ करदे आ। वह कहिंदा गुरु नानक ने सिर्फ गाया, कहिंदा प्राणा तो गाया, अपने अंदर तो गाया, तो कहिंदा इन्ने कमाल दा गाया कि उन्हें गा गा के सब किसे नूं पी लिया। तो कहिंदा जदों वह किसे लफ्ज़ नूं वार वार दोहराते ने तो उहदे विच उहनां नूं रस मिलदा है, क्योंकि जो कुछ उहनां गाया वह पी लिया है। मेरे गुरु नानक साहब ने रब्बी नाद नूं गाया, उस अनुभवी ज्ञान नूं साडे लई बोल के शब्दां दे रूप विच उहनूं गाया। तो मैं एक दिन अर्ज कीती सी संगीत विच बड़ी वड्डी ताकत है, किसे तरह का भी संगीत होवे उहदी शक्ति उहदे च खिच तां है। कई बार दास बेनती करदा है कि अजकल तां चलो बच्चों के खिडौने बहुत ने, पर पुरातन समय जदों बच्चा रोंदा सी ते मां इन्हें कटोरी कौली ते चमच लै लेना, रोंदे हुए बच्चे कोल उन्हें कौली नाल चमचे नूं टकराना वजाना, उहदे विचों नाद पैदा हुंदा सी। चलो एक शब्द असी वरतने छनकना वरतदे सन पहला, वह की चीज सी, वह बच्चे नूं एनर्जी किवें दे रहा है, क्योंकि उहदे विचों निकली कोई आवाज वह संगीत जिहड़ा है रोंदे हुए बच्चे नूं नाद खामोश कर दिंदा सी, जिस नूं समझ कोई नहीं वह भी सच एवे आवाज नूं सुन के नाद नूं सुन के संगीत नूं सुन के वह भी खामोश हो जांदा सी। रोंदा होवे बच्चा
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋਦਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਰਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੁਤਫ ਲਏਗਾ, ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇਲਗੂ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਕੰਨੜ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸਾਜ਼ ਦਾ, ਸੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਵੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗੀਤ, ਰਾਗ, ਨਾਦ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਦੀ, ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੋ ਰੁਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ, ਅਰਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਕ ਆਂਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤੜ ਤੀਰਤ ਧਰਤੀ ਸਭ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜੈ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਤਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੋਇਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨ ਕਾਮਨੀ ਖੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ, ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੈ, ਨੈ ਮਿਲੀਐ ਹਰਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੋਤ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਹੋ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਨੈ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰਸ਼ੋਂ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਸੇਜ ਸੋਨੀ ਚੰਦਨ ਚੋਵਾ, ਨਰ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 84 ਆਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ,
वह निवली कर्मक है। सब तो श्रेष्ठ कर्म एवे कि जिसनू परमात्मा कीर्तन करन दी दात दे दे, एदू उपर कोई कर्म नहीं। हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। मैं बेनती करा हजूर ने कीर्तन किया, श्रीमान भाई गुरदास साहब ने हजूर दे कीर्तन दे संबंध विच ते खास करके अपना अपनिया वारां च भाई गुरदास साहब जी ने एक पौड़ी च रोज दे नेम दा जिक्र किया, भावें उत्थे आसा की वार दा जिक्र नहीं होया। करतारपुर तो यह गल शुरू होंदी, उत्थे भाई साहब ने शब्द जिहड़े वरते ने जाप सोदर आरती गुरबाणी गाविया उन्हें वरत्या, गुरबाणी उचारिया वरत्या, वह संखेप शब्दों कह गए ने कि फिर बाबा आया करतारपुर, भेक उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारी है। बाणी का बहुत हिस्सा गुरुदेव ने करतारपुर उच्चारण किया, बाणी मुखों उचारी है, होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, अनद शब्द उठे तुनकारा। भाई साहब कहते हैं सो दर आरती गाविए अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले जाप जी का पाठ किया जाता है, ते सो दर आरती गाविया क्या है, इहदा मतलब जप जी पढ़िया जाता है, जप जी गाया नहीं सी जाता। भावें अज साढ़े गुरु के कीर्तनीय गाउंदे, मैं अर्ज करा है तो कावर च ने, पर सतगुरु ने इहदे उत्ते गाउण की हदायत नहीं की, इहदे उत्ते कोई राग नहीं। जप उचारिया जाता है, उचारिया का मतलब बोलिया जाता है, पढ़िया जाता है, तो सो दर ते आरती गाई जाती है। महाराज भाई साहब कहते सो दर आरती गावी है अमृत वेले जाप उचारा। सतगुरों के वेले जिहड़ा असीं सरलेख पढ़ांगे कि वार सलोकां नाल सलोक भी महले पहले के लिखे, असल च गुरदेव दे वेले इहदा मतलब इस वार नूं गायन किया जाता है। थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणियो, सतगुरु ने सब तो सुखैन तरीका कलयुग जीवां दे उधार लई दिता, मैरज की वह है कीर्तन। यही कारण मेरे सतगुरु की बाणी जो अं पाने दो मैं उदाहरण गुरबाणी चू लाँगा। गुरु साहब अपने आप न परमात्मा के दर का तबलबाज कहें, तबला बजाण वाला, अपने आप न परमेश्वर के दर का शायर कहें, नानक शायर एव कहता है सज्जे पर्वत गारा। शायर तबलबाज ही नहीं, तुसी आसा की वार भी जदों अगे वेखांगे उते एक तोकम दी खाऊं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे, तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे, मैं ढाडियां विचों नीवा ढाडी खां। वैसे ढाडी का अर्थ है कि अपने मालक की सिफत करन वाला, अपने मालक की सिफत गाउण वाला। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इतों तक शब्द वरते है, कहिंदे ने मैनू ढाडी नूं कोई काम नहीं सी, मैं तो बेकार सा। देखो निम्रता गुरदेव दी, मैनू बेकार ढाडी नू मालक ने अपने महल च अपने टिकाने ते बुलाया, मैं हाजिर होया ते हजूर कहिंदे ने मेरे मालक ने मैनू दो चीज़ां बख्शिश कीतियां, उक तां उन्होंने मेरी पत ढक्कण वास्ते सिबत सलाह दा कपड़ा दिता, दूजा मेरे मालक ने मैनू खाण वास्ते शब्द का भोजन दिता। फिर बेनती सुनियो, कहिंदे ने सिबत सलाह का कपड़ा मिलिया, सच्चे नाम का भोजन मिलिया, ते मैनू ढाडी नू ए शब्द कह दिता ले अज तो बाद तू शब्द नू गा शब्द नू बजा ते सारी दुनिया विच गा गा के शब्द का प्रचार कर। गुरु नानक साहब के अमृत बोल ने मांझ की वार की अखीरली पौड़ी है, हौ ढाडी वेकार कारे लाया, मैनू ढाडी वेकार नू परमात्मा ने कारे ला दिता, एक काम दे दिता। सतगुरु कहते हैं खौ ढाडी वेकार कारे लाया रात द्यों कै वार, इहदा मतलब रात होवे दिन होवे कोई तिथ होवे कोई तरीक होवे, ढाडी तेरे काम दे विच नागा नहीं पैना चाहिए। सच एवे असी बाकी सारी छुट्टी कर सकने हैं,
पर दो चीजां दी छुट्टी इंसान नहीं कर सकता, एक भोजन की छुट्टी नहीं आप कर सकते। चलो ये तो हर कोई बंदा ही नहीं करेगा, कभी भोजन की छुट्टी किसी ने की, यह गल वक्री कोई शरीर को साधन वास्ते करे, नहीं तो रोज बंदा भोजन छकता है। प्यारियो एक गुरु के शब्द भी जुड़िया होया, कभी अपने नेम की छुट्टी नहीं करता, वह अपने मालक का नेम दिता निभा है। हजूर कहते ने मैं ढाडी विकार सा, मैनू काम कोई नहीं, मैनू कारे ला दिता। नार शब्द कह ढाडी, दिन होवे रात होवे सुबह होवे शाम होवे बरसात होवे सर्दी होवे गर्मी होवे लू होवे, तू अपने नेम च कोताही नहीं आउंदे ने। कहते ने फिर मैनू सिबत सलाह का कपड़ा दिता, तेरी पत च की जाएगी कपड़े नाल। सच एवे जिदे कोल वाहगुरु की सिबत सलाह का सिमरन का कपड़ा है, सारी दुनिया जोर लाई जाए ओदी पत नू कोई नगेज नहीं कर सकता, सिमरन ओदी पत हर थां ते टकदा।